विधानसभा के बाल सत्र में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाली सुंदरनगर की जाह्नवी के घर पहुंचने पर उसका शानदार स्वागत हुआ। सुंदरनगर शहर के भोजपुर निवासी जाह्नवी के पिता संजीव कुमार व्यापारी हैं, जबकि माता देवना गृहिणी हैं। बाल सत्र में बतौर मुख्यमंत्री का अनुभव साझा करते हुए जाह्नवी ने कहा कि ये पल उसके लिए हमेशा यादगार रहेंगे। विशेष तौर पर स्वयं मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने उन्हें मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली तथा राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं होती है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों से स्कूली छात्र छात्राओं में सरकार के कार्यकाल लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों से स्कूली छात्र छात्राओं में भी सरकार के कार्यकलापों तथा राजनीति को लेकर रुचि बढ़ेगी। जाह्नवी का कहना है कि सरकार में पक्ष और विपक्ष की भूमिका के बारे में बाल सत्र के माध्यम से उन्हें पता चला तथा राज्य को चलाने के लिए दोनों की भूमिका के बारे में भी उन्हें पता चला। सत्र के दौरान उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब तो दिए ही, लेकिन साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी अपनी बात रखी। जाह्नवी ने कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य IAS और IPS ऑफिसर बनना है तथा इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने इस बार विधानसभा जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसमें आज मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाई है और मुझे ये एक्सपीरियंस बताने मतलब इतनी खुशी है इस एक्सपीरियंस के लिए। एज जब सबसे पहले खुशी तो तब बड़ी जब CM साहब ने खुद मुझे एज CM एड्रेस किया। सबसे पहले जब उन्होंने अपने संबोधन दिया था वो बात बताई नहीं जा सकती है शब्दों में। इसी के साथ इस भूमिका में हमने बातें रखी अपनी, विपक्ष ने हमसे सवाल पूछे और पक्ष ने उनके जवाब दिए। इसी के साथ ये जो विधानसभा है इसमें हमारे 68 प्रत्याशी थे जिसमें 60 बच्चे हिमाचल प्रदेश से चयनित होकर आए थे और जो मैंने मेजर मुद्दे उठाए थे एज मुख्यमंत्री वह थे स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर। मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी कमियां हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कि पूरी होनी चाहिए और जिनमें कार्य होना चाहिए। और इस बाल सत्र से मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी सवाल हमारे बाल विधायकों ने उठाए हैं उन पर हमारी जो सरकार है वह कार्य करेगी और आने वाले समय पर हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।